उत्तर प्रदेश चुनाव को देखते हुए महेंद्र नाथ पांडे को मंत्री बनाया गया है, जो चंदौली से सांसद हैं। सर पहले बहुत बहुत बधाई आपको। नमस्कार, धन्यवाद। आपको मंत्री बनाया गया है, ब्राह्मण चेहरा हैं। आपने देखा होगा कि 2007 में चुनाव हुए थे, ब्राह्मण ने मायावती के साथ दिया था, 12 में मुलायम के साथ दिया था। क्या ब्राह्मण को बीजेपी के जोड़ पाने सफल होंगे आप? मैं इसे नहीं मानता कि ब्राह्मण ने मायावती मुलायम का साथ दिया था। थोड़े मतों का बिखराव हुआ था और उसी ब्राह्मण ने 100% मत दिया 73 सीट जिताने में, मोदी जी की सरकार बनाने में उसने पूरा साथ दिया है। और आज वो ब्राह्मण देख रहा है कि कैसे सपा अत्याचार कर रही है, आज वो ब्राह्मण देख रहा है कैसे बसपा ने लूट किया है, धोखा किया है। इसका जवाब अगले चुनाव में देगा। चुनाव के लिए कितने तैयार हैं आप लोग? चुनाव के लिए सबसे अधिक मजबूती से तैयार हैं। तो ब्राह्मणों को एकजुट करने के लिए क्या प्रयास करेंगे आप? ब्राह्मण का स्वभाव ही है सबको एकजुट करना, आदिकाल से वो एकजुट करता रहा, सारे समाज को जोड़ के चलता है और चलेगा। 14 साल का जो वनवास है वो खत्म होगा? देखिए, ये आप लोगों का शब्द है, हम लोग राजनीति में वनवास नहीं मानते हैं। ये 5 बरस लूटपाट किया बसपा ने, 5 बरस सपा लूटती है, 4.5 बरस से लूट खसोट कर रही है। इस लूट तंत्र से उत्तर प्रदेश की जनता को मुक्ति दिलाना है, ये हमारी प्राथमिकता है। और हम लोग मोदी जी जैसे तपस्वी के और ईमानदार नेतृत्व की सरकार में निश्चित तौर से आगे उत्तर प्रदेश का बेहतरी होगी, ऐसा हम सबका भरोसा है, जनता हम लोगों के साथ है। राम मंदिर की बात चल रही है, क्या राम मंदिर बनेगा? ये राम मंदिर तो हम लोग बार बार कहते हैं, हमारी आस्था और श्रद्धा का सवाल है, कोई विषय इससे राजनीतिक विषय है ही नहीं। वो नहीं तो बनेगा मंदिर? बनेगा ना, वो राजनीतिक विषय नहीं, वो आस्था का सवाल है। तो राम मंदिर पर तो खुल के कुछ नहीं कहा उन्होंने, लेकिन जरूर कहा कि आस्था का विषय है। और यूपी चुनाव में कहा कि ब्राह्मण इस बार बीजेपी का साथ देगा। कैमरा सचिन के साथ सौरभ तिवारी, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली।